पहला दर्शन तोड़ कंडोली, पहला दर्शन तोड़ कंडोली, दूजा देवा आए माता दूजा देवा आए जोता जाए दिया। तीजा दर्शन चरण पात के तीजा दर्शन। सबसे पहले तो आज के इस व्लॉग में आप सभी को प्रेम भरी जय माता दी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? ये है साथियों शंकराचार्य का मंदिर, जो कि आप लोगों को दिखा देते हैं एक डिजिटली दर्शन। और ठीक सामने सुबह सुबह का नज़ारा है, बहुत ही प्यारा नज़ारा है चरण पादुका मंदिर का, और ठीक सामने अर्धकुंवारी मंदिर का, और साथ साथ में पूरे त्रिकुटा पर्वत यानी समूचे त्रिकुटा पर्वत का भी आप नज़ारा जो है अलौकिक दर्शन जो है अपने अपने घर से अपने अपने शहर से कर सकते हैं। मौसम पिछले कुछ दिनों से मतलब पिछले एक हफ्ते से ही बेहद सुहाना है, खुली धूप जो है, आसमान नीला, आप लोग देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से बेहद खूबसूरत मौसम, सुहाना मौसम। और ये तस्वीरें सुबह सुबह की पूरे त्रिकुटा पर्वत की। कल भी आप सब ने बेहद प्यार कमेंट सेक्शन में लाइक शेयर कमेंट करके दिया। मैं आज की इस वीडियो के माध्यम से भी आप सभी को कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मिलेंगी साथियों हर दिन छोटी मोटी जानकारियों के साथ मौसम की सटीक और सही जानकारी। खासकर जम्मू कश्मीर में आने वाले जितने भी पर्यटक हैं, विशेष तौर पर माता वैष्णो देवी की यात्रा में करने वाले श्रद्धालु, उनके लिए ये जानकारियाँ बहुत ज़रूरी रहती हैं। और मैं समझता हूँ कि आप लोग ही नहीं बल्कि अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने चाहने वालों को बोलिए कि डेली यात्रा व्लॉग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस मंच की सूचिता को बनाए रखते हुए इसे आगे से आगे ले जाना हम सभी दोस्तों का, हम सभी चाहने वालों का प्रथम कर्तव्य है। अब बात करूं साथियों आज की, तो यात्रा लगातार निरंतर चल रही है माता वैष्णो देवी के दरबार में। साथ साथ में अगर मैं बात करूं, मौसम का मिजाज भी बेहद सुहाना है। और संख्या की अगर मैं बात करूं तो पिछले कई दिनों से जो है थोड़ी बहुत जो संख्या में कमी देखने को मिल रही है, और यही दो महीने होते हैं जब यात्रा की संख्या कम रहती है। आसानी के साथ हेलीकॉप्टर की टिकटें मिल जाती हैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से, बैटरी कार, घोड़ा, पिट्ठू, पालकी आसानी के साथ मिल जाते हैं। जब यात्रा की संख्या बढ़ोतरी हो जाती है, गर्मियां आ जाती हैं, फिर दर्शन तो हो ही जाते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जो है समय भी निकल जाता है, और कई बार जो हैं प्राथमिक सुविधाओं से बहुत सारे श्रद्धालु वंचित रह जाते हैं। ऐसे में उन श्रद्धालुओं को इस समय ज़रूर आना चाहिए, माता रानी का बुलावा आना चाहिए उन्हें, क्योंकि जब यात्रा का आंकड़ा काफ़ी रह जाता है, फिर गर्मियां भी आ जाती हैं और प्राथमिक सुविधाएं भी नहीं मिल पाती हैं। तो ये नज़ारा आज का आप देख सकते हैं, बाणगंगा में जाने वाले रास्ते की तस्वीरें। धीरे धीरे करके श्रद्धालु कुछ दर्शन करके आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, कुछ अपनी यात्रा अभी आरम्भ कर रहे हैं। और ये बाणगंगा की खूबसूरत तस्वीरें, और ये देखिए चरण पाद का फिर से खूबसूरत नज़ारा। तो साथियों इन्हीं कुछ बातों के साथ, इन्हीं कुछ जानकारियों के साथ अपने दोस्त सोमराज शर्मा को दीजिए आज के लिए अनुमति। जय माता दी, जय माँ वैष्णो देवी। बाल गंगा नाम दे